बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में। भाई अभी बात कर लेंगे इस न्यू वायरस के मुतल्लिक। सऊदी अरब में क्या इसका केस सामने आ चुका है या अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में इसके केस सामने आ रखे हैं। और मैं आज ही पढ़ रहा था कि इंग्लैंड में भी, सॉरी कैनेडा में भी भाई इसका एक केस सामने आ चुका है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। और इस चीज़ को देखते हुए आपको पता है जी, सऊदी अरबिया ने 14 ममालक की फ्लैट्स भी बंद की हुई हैं, जिनमें 7 ममालक अफ्रीकन हैं और 7 ममालक उसके अलहदा हैं। यानी कि उन 14 ममालक के नाम के साथ मैं आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, यानी कि जिन 14 ममालक की फ्लैट्स बंद कर दी गई हैं। और पाकिस्तान और इंडिया की अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है, और मुझे पूरी उम्मीद है अभी ओपन ही रहेंगी। बहरहाल इस वायरस के मुतल्लिक बात करते हैं। तो भाई जहाँ पर सऊदी अरब में 14 ममालक के ऊपर पाबंदी लगा दी है, वहीं पर आज सऊदी अरबिया में बहुत से ऐसे मरीज़ जो इस वायरस की निशानियां हैं, अगर वो पाए गए हैं तो उनका ये टेस्ट किया गया है, और किसी में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वायरस की कोई किसी किस्म की तस्दीक नहीं हुई है, यानी कि ओमिक्रॉन, ठीक है। तो शॉर्टली उसे ओमी ही बोला जा रखा है, ओमी वायरस के नाम से ये न्यू आ चुका है, जिसकी वजह से फ्लैट्स वगैरह बंद की जा रही हैं। तो सऊदी अरेबिया में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसका कोई भी किसी किस्म का केस सामने नहीं आया है। मैं इस तरफ या इस तरफ आपको शायद वो पिक्चर भी अभी दिखा रखा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अभी भाई बहुत ज़्यादा एहतियात की जा रही है इस चीज़ को लेकर, जैसा कि 14 ममालिक की फ्लैट्स एमरजेंसी बंद कर दी गई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सऊदी अरेबिया में ये नहीं फैलेगा।